तो जाग जाओ और देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि वेदांत सिटी में लेक पूरी तरह बर्फ में जम चुकी है। लोग वहाँ पे आइस स्केटिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है वेदांत सिटी कश्मीर में बदल चुका है। क्या ये ग्लोबल वार्मिंग है या फिर कोई चमत्कार? इन सब सवालों का जवाब लेकर हम जल्द ही लौटेंगे। तब तक आप देखते रहिए वेदांत सिटी चैनल। नाना जी, मैं अपने दोस्तों के साथ लेक में आइस स्केटिंग करने जाता हूँ। अरे तुम अकेले क्यों, हम सब चलेंगे। भीम सिंह, चलने की तैयारी करो। नमस्ते बच्चों, तुम लोग स्केटिंग करो, मैं और नाना यहाँ बेंच पर बैठते हैं। कितना मजा आ रहा है, यकीन नहीं होता वेदांत सिटी लेक बर्फ बन गई है। अरे वाह, ऐसा लग रहा है हम एंटार्क्टिका में। देखो मैं कितनी मस्त स्केटिंग करता हूँ। नमस्ते नाना नानी। एक बार हमारे गांव की लेक भी ठंड में जम गई थी। मैं तीन दिन तक लगातार स्केटिंग करता रहा। फिर चौथे दिन मेरी आँख खुली तो पता चला कि मैं तो सपना देख रहा था। इतना सुहाना मौसम, मेरा गाने का बहुत मन कर रहा है। क्यों सबका मजा किरकिरा करना चाहते हो? चुप करो अभी। आविष्कार के आविष्कारों का कोई जवाब नहीं। मिस्टर आविष्कार, हम सब रेडी हैं। अभी सिर्फ लेक जमाई है, अब जाके पूरे शहर का पानी जमा देंगे। जाओ वेदांत सिटी में ये वैन लेकर घुमाओ और मेरी पानी जमाने वाली दवा को धुआं बना के इसकी चिमनी से हर तरफ फैला दो। जहाँ जहाँ धुआं जाएगा वहाँ वहाँ पानी बर्फ बन जाएगा। जब लोग पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान हो जाएंगे तो हम अपनी पानी पिघलाने वाली मशीन मनमाने दामों में बेच के करोड़ों रुपए कमाएंगे। यस यस, आविष्कार के आविष्कारों का कोई जवाब नहीं।
की जान बचा ली। थैंक यू शिवा। इट्स ओके अंकल। जल्दी से गर्मा गर्म चाय बना दो। अभी बना कर लाता हूँ नाना जी। अरे नाना जी चाय कैसे बना, घर में तो पीने तक का पानी नहीं है, सारा पानी जम गया है। कोई बात नहीं, मौसम ठंडा है, पानी जम गया होगा। मैं अभी गाना गाकर पानी पिघला देता हूँ। पानी पिघला 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 पानी 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 पिघला। अब गाना गाना बंद करिए, मैं पड़ोसियों से पूछ कर आती हूँ। आया आया, इनको क्या हुआ? इन्होंने मिर्ची खा ली है और घर में एक बूंद पानी नहीं है, सब जम गया जी। अरे बाबा, हमारे यहाँ भी बिल्कुल पानी नहीं है। सुना है वेदास चौक के पास जो हैंड पंप है उसपे पानी आ रहा है, जल्दी चलो। चलो चलो भीम सिंह, पानी भरने चलो। शिवा, नाना जी को ले आओ, वो एक राग सुनाएंगे और सब भाग जाएंगे, फिर हम जल्दी पानी भर सकेंगे। क्या तुम मेरे नाना जी का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बस। पानी भरो भरो, कितनी देर भरोगे? जम गया, यहाँ का पानी भी जम गया। ऊपर वाले, अब हम क्या पिएंगे? लड्डू सिंह जी, कुछ करिए, पानी का इंतजाम करिए। अरे नानी, मैं कल से नहाया नहीं हूँ, सुबह से एक बूंद पानी भी नहीं पिया, मैं क्या करूँ? मैं तो खुद पानी भरने आया था। बोलो, पानी जम कैसे रहा है? पानी तो ठंड में जमता है, यहाँ तो बिल्कुल ठंड नहीं है, फिर पानी कैसे जमा? कहीं ये उस वैन की वजह से तो नहीं? जैसे ही वो वैन यहाँ आई, पानी जम गया। मैं जाके चेक करता हूँ। अंकल, आप लोग कुछ बेच रहे हैं क्या? बच्चे जाओ अपना काम करो। दोस्तों, भाइयों, बहनों, लीजिए पानी पिघलाने की मशीन। अब किसी के घर में पानी की तकलीफ नहीं होगी, नल में, कुएं में, ड्रम में, कहीं पानी नहीं जमेगा। ये तो वही वैन है और वही लोग, बस वैन के ऊपर चिमनी नहीं है। देखता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। बड़े पापा, मुझे तो ये मशीन कितने की है? 10,000 की। बड़ी बाबा, 10,000 की? इतनी महंगी? लेना है तो लो, जब शॉर्ट सप्लाई होगी तो 50,000 में बिकेगी। मुझे तो मेरे घर में एक बूंद पानी नहीं है। मुझे दो, 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 मुझ
इसे घर में लगा के ऑन करिए। इसका लिक्विड जब घर में फैलेगा तो हर जगह का पानी अपने आप पिघल जाएगा। तो ये बात है, अगर इनकी मशीन पानी पिघला सकती है तो जमा भी सकती होगी। मेरे ख्याल से ये पहले पानी जमाते हैं और फिर पानी पिघलाने की इतनी महंगी मशीन बेचते हैं। सॉरी, मशीन का स्टॉक खत्म हो गया, हम कल फिर आएंगे। मैं देखता हूँ ये कहाँ जा रहे हैं। ये तो वही बच्चा है जो पहले भी पूछताछ कर रहा था और अब हमारा पीछा कर रहा है। लगता है इसको हम पर शक हो गया है। वैन तेज चलाओ। अच्छा हुआ उस बच्चे से पीछा छूटा। वो पीछे है, अभी लैंड किया है। ऐसा लगा जैसे बाइक उड़ा के लाया है। ओह नो, इसका तो इलाज करना होगा। आविष्कार चंद को बताना होगा। ओके, डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने ऐसी रुकावट को रास्ते से हटाने का इंतजाम पहले ही कर रखा है। हेलो टाइगर, सर उसने तो उन गुंडों को धो डाला। बच्चा है या मुसीबत? डोंट वरी, आविष्कार के आविष्कारों का कोई जवाब नहीं। फैन में ब्लू बॉटल का बटन दबाओ और जोर से एक्सेलरेटर दबाओ। थोड़ी देर में बच्चा अपनी जगह पर जम जाएगा। ओके बॉस। चालाक है, यही लोग पहले पानी जमा देते हैं और फिर आइस पिघलाने की मशीन बेचते हैं। लड्डू सिंह जी को लेकर आओ, मैं उनका पीछा करता हूँ। कोई लड़का साइकिल से आएगा तो उसे रोकना, आने मत देना। ओके बॉस। Thank you.
जाओ, कौन हो तुम? सॉरी टाइम नहीं है, वरना बताता मैं कौन हूँ। ब्लू टायर ऑन करना पड़ेगा। अरे ये आफत की बुढ़िया पीछा ही नहीं छोड़ रहा, देखो कैसे साइकिल चला रहा है। केबल टूट जाएगी तो हम सब नीचे जाएंगे। बॉस वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, नहा धो के पीछे पड़ा है। जब पानी ही नहीं है तो नहाया धोया कैसे? बॉस ये कहावत है। ये दोनों मेरे बेस्ट कमांडो हैं, अभी उसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे। अरे हमारे पीछे क्यों पड़े हो बच्चे? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। कोई उसे रोको, रोको उसे। अरे मेरे सालों की मेहनत बर्बाद क्यों कर रहे हो? आदमियों को तोड़ो, मशीन मत तोड़ो। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? सॉरी भाई, गलती हो गई, मेरा पीछा छोड़ दो। आई एम सॉरी, गलती हो गई, ऊपर खींच लो प्लीज। कभी सोचा नहीं था कि छोटे से बच्चे से, मेरा मतलब है कि शिवा से मार खानी पड़ेगी। तुम ये तो जान गए हो कि पानी मैंने जमाया, मेरा क्या धंधा है, लेकिन एक बात नहीं जानते, आविष्कार के आविष्कारों का जवाब नहीं। बच्चे तुम बच्चे हो जाओ, बच्चों के साथ खेलो। भी है। साइंटिस्ट कौन है, वो या मैं? चलो अंकल जेल चलते हैं। नहीं, छोड़ दो मुझे, मुझे जेल नहीं जाना। लड्डू सिंह जी, ये रहा आपका अपराधी, अब आप इसे जेल में ले जाके जमा कर दो। ले चलो इस बच्चे से जितना दूर ले जा, मेरा मतलब है शिवा से जितना दूर ले जा सकते हो, ले चलो, मुझे इसकी सूरत भी ले ही देख ले। अब जेल में सिर्फ मेरी सूरत देखना। दोस्तों, मुझे आपको इन्फॉर्म करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हर साल की तरह इस साल भी इंटरसिटी गो कार्ट रेस हो रही है। वेदा शहर से जिसने हिस्सा लेना था
वो अचानक बीमार पड़ गए और रेस में हिस्सा लेने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई तैयार नहीं हुआ। अफसोस है कि वेदा शहर में कंपटीशन हो रहा है लेकिन इस शहर से कोई पार्टिसिपेंट नहीं होगा। वेदा शहर भी पार्टिसिपेट होगा, जरूर होगा। ये हमारे शहर की इज्जत का सवाल है, मैं अपने शहर की बेइज्जती होते नहीं देख सकता। ये आदि को क्या हो गया, उसे गो कार्टिंग कहाँ आती है? ओहो, क्या तुम गो कार्ट रेस में हिस्सा लेना चाहते हो? वैसे तो तुम बहुत छोटे हो लेकिन इसमें एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? शिवा। जो इस रेस में हिस्सा लेगा उसका नाम है शिवा और वो वहाँ खड़ा है। ओह नो, मेरा मतलब है कि वेरी गुड शिवा, हम तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करते हैं। दोस्तों, वेलकम शिवा इन दिस कॉम्पिटिशन। सब पार्टिसिपेंट ध्यान देकर सुने, हमारी तरफ से सबको गो कार्ट मिलेगी और इस ग्राउंड के चारों तरफ से सब पार्टिसिपेंट को एक एक गराज मिलेगा। वहाँ आप अपनी गो कार्ट में जो चाहे लगा सकते हैं ताकि आपकी गो कार्ट सबसे अलग और सबसे तेज हो। लेकिन हाँ, ऐसी चीज लगाना मना है जिससे दूसरे को नुकसान हो। तो रेस कल शुरू होगी। ओके देन, ऑल द बेस्ट। क्या बात है, वेदा सिटी का नाम रोशन हो रहा है। बहुत बढ़िया शिवा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ही जीतोगे। वाह वाह, ये वेदा सिटी स्कूल का बच्चा पता नहीं तब से क्या क्या कर रहा है। उस बच्चे को कम मत समझना, वो साइकिलिंग में एक्सपर्ट चैंपियन है। होगा साइकिलिंग में चैंपियन, कार्ट रेस का तो चैंपियन मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगा। ना आज तक कोई मुझे हरा पाया है और ना ही हरा पाएगा। उसे अंडर एस्टिमेट मत करना डैनी, वो सिर्फ साइकिल ही नहीं चलाता, बहुत बड़े बड़े काम करता है। वो तो रेसिंग ट्रैक पर पता चलेगा। शिवा, सब रेडी हो गया? बस ऑलमोस्ट रेडी है सब, मैं एक मिनट में आता हूँ। अगर सब लोग रेडी है तो पहले मैं एक टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ। आता हूँ शिवा, बस एक राउंड लगाकर। ओह नो, उसमें तो अभी ब्रेक लगने बाकी है। लो देख लो क्या कार्ट रेडी किया है वेदा सिटी के धुरंधरों ने। जी, मैं ब्रेक लगाने ही वाला था, उतने में आप कार्ट लेकर निकल लिए। हाय। कैसे हो शिवा, और तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? यस सर, मैं अभी आपको अपने कार्ट के फंक्शंस दिखाता हूँ। Ha ha ha!
अमेजिंग शिवा, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये क्या अटैचमेंट्स किए हैं इस लड़के ने? हमारी कार्ट में तो इतने एडवांस टेक्निक है ही नहीं। सुनो, इस लड़के की कार्ट को ट्रैक पर आने से रोकना होगा। शिवा बेटा, बेस्ट ऑफ लक, पूरा ध्यान अपनी रेस में लगाना। थैंक यू नानी। मैंने एक नया राग बनाया है जिसको सुनकर तुम्हारे अंदर ऐसी एनर्जी दौड़ेगी कि तुम्हारा रेस जीतना तो पक्का है। आज से यहाँ पर गाना गाना बंद है। ये क्या बात हुई? इंसान अपने घर में गाना भी नहीं गा सकता। आप कौन है? यहाँ के इंस्पेक्टर तो लड्डू सिंह जी हैं। ज्यादा सवाल जवाब नहीं। ये देखो बोर्ड, मैं यहाँ का नया पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मुझे स्पेशली नॉइस पॉल्यूशन फैलाने वाले लोगों को रोकने के लिए अपॉइंट किया गया है। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, बैठिए बैठिए, चाय नाश्ता करके जाइए। तो शिवा, ऑल द बेस्ट, तुम जाओ, मैं इंस्पेक्टर भीम सिंह को राग भैरवी सुनाता हूँ। बाय नाना। बाय नानी। बाय बेटा। नहीं, तुम्हारा काम हो गया है। उस लड़के की गो कार्ट हमने चुरा ली है। पर वो हमारे पीछे लगे हुए हैं। बहुत अच्छे, पर वो बच्चा बहुत तेज है। तुम दो लोग उसके लिए कम पड़ोगे, हो सके तो और लोग उसके पीछे लगा दो। तुम चिंता मत करो, वो लड़का हम तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम सब अपने ठिकाने के रास्ते पे आ जाओ। एक बच्चा साइकिल से पीछे लगा है, उसको हम तक आने से रोको कैसे भी। मेरा गोकार्ट चुरा कर भागे हो, वापस लौटा दो, आज मेरी रेस है। बच्चे, गोकार्ट क्या,
अब तो आज तुम भी हमारी मर्जी के बिना यहाँ से नहीं जा सकते। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। गया दिखा तुम्हें ये क्या? सिटी के पार्टिसिपेंट शिवा कहीं दिख नहीं रहे हैं, बस थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। सर, पर रेसिंग तो टाइम पर शुरू होनी चाहिए, अगर शिवा नहीं आया तो इसमें हमारी क्या गलती है? यू आर राइट, रूल्स आर रूल्स। हाँ, एक बात और, ग्राउंड के 3 राउंड लगाने हैं, तीसरा राउंड फाइनल होगा। वेल डन, वेल डन। वो यहां नहीं पहुंच पाया। ऑन योर मार्क गेट सेट एंड गो। करो को रेस के बाद एक बड़ी पार्टी दूंगा। डोंट वरी डैनी, मैंने अपने साथियों को कह दिया है शिवा रेस में नहीं जीतेगा। गया था कि तुम्हारे पास ये अटैचमेंट भी है, लेकिन अब इससे बचो। उस शिवा की गोकार्ड को आगे जाने से रोको। Come on!
ऐसा भी कर सकता है? इसको रोकना तो बहुत मुश्किल है। ये शिवा तो बहुत ही फास्ट है। अब इसको रोकना मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, मैं रुकूंगा इसे। मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। कर दिया है, ज्यादा देर तक मेरी कार नहीं चल पाएगी। शिवा तो अब क्या करें? एक काम करो, स्पेयर बैटरी मेरी साइकिल में बांध दो। मैं उधर पहुंचने ही वाला हूँ। ये लास्ट राउंड है। ओके शिवा। अरे क्या बात है रेवा? लड्डू सिंह जी, दूसरे रेसर्स ने शिवा की गो कार्ट की बैटरी डैमेज कर दी है। शिवा तक ये स्पेयर बैटरी पहुँचानी होगी। शिवा बस आता ही होगा। तुम चिंता मत करो रेवा, मैं शिवा तक बैटरी पहुंचाऊंगा। स्पीड कम करो, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। लड्डू सिंह जी, आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। अरे अरे कोई कुछ करो, मेरे पैर साइकिल बन गए हैं, साइकिल। अरे अरे बगैर पैडल के चल रहे हैं। कभी हारता नहीं। विनर वेदा सिटी के शिवा बन गए हैं। शिवा ने पिछले 3 सालों के चैंपियन डैनी को हरा दिया है। शिवा, स्टेज पर आकर अपनी ट्रॉफी कलेक्ट करो।